10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। सीएए का सीधे तौर पर विरोध करते हुए नजर आए केजरीवाल, कहा असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय भाजपा वाले सीएए लाए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस वक्त सीएए को लेकर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि 11 तारीख को भाजपा के तरफ से सीएए लाया गया था, जिसके बाद सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर इसका विरोध कर रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी का भी सीएए को लेकर बयान निकलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर सीएए का विरोध किया है। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन तीन देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन तीन देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। कह रहे हैं कि तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं, और पाकिस्तानियों को भारत ला के उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो? मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए? पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे? पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार
कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर असम। असम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, असम में बसाएंगे। असम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत विश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। तो देखा आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर करारा हमला किया है और मनसा साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी सीएए का विरोध करती रहेगी और भाजपा को इसका लोकसभा में लोगों के द्वारा जवाब दिया जाएगा। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि तीन देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा कि भाजपा को सीए का फायदा होता है या नुकसान। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज लॉकर। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।